पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के खुर्जा में कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि आखिरकार पप्पू पास कब होगा, कितना समय लगेगा। वही कहा कि मोदी जी ने जो वादे किए वह सभी पूरे हैं और उसी को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान मायावती पर हमला बोलते हुए कहा जो टिकट के लिए 20 करोड़ लेती हो वह देश का विकास क्या करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को मौजूदगी में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दो सीट अजीत सिंह जी लड़ रहे हैं, 72 सीट होती है, 272 पर प्रधानमंत्री बनता है। बताएं कौन सा बुरा भाग आपको ये बताता है। पहले तो ये बता दो कि तुम एमपी कैसे बनोगे। 23 लाख वोट है, 15 दिन पहले आए हैं, बोली लगता है टिकट बिकी है। बहन जी की पार्टी में बोली लगता है टिकट बिकी है। पता है ना कितने की बोली गई है, पता है ना कितने की? 20 करोड़। टिकटें 20 करोड़ बिकेगी वो क्या देश पर चलाएंगे। आज दूसरे भतीजे को बहुत मौका दिया था हमने, तो बेचारा अपने परिवार से पूछना। पहली बात तो तुम एमपी नहीं बन रहे, एमपी बन जाओ तो तुम्हारी सरकार नहीं बन रही, सरकार बन जाओ तो तुम्हारे पास प्रधानमंत्री नहीं। अभी तो दोनों बुआ भतीजे अगर जीत गए तो फिर दोनों में एक कांड होगा, गए सौ कांड कहेंगे 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन जाते। शरद सिंह जी का, वीपी सिंह जी का, इंद्र कुमार गुजराल का, आज इन्होंने यही हाल किया था देवगौड़ा जी का कि तख्ते पे बैठाया कि लोग बनो प्रधानमंत्री और पीछे से तख्ता खींचिए। ये तरीका था कांग्रेस का। कांग्रेस तो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, वो माँ बेटे बेटी की पार्टी बन गई है। माँ बेटे लगी हुई है माँ बेचारी पप्पू को आगे बढ़ाने, लेकिन पप्पू हमारे पास होता ही नहीं। 2007 से लगी हुई मान चाहे पप्पू का आगे बढ़ा, लेकिन पप्पू बढ़ नहीं पाता। 4 लाइन बिना पढ़े भाषण नहीं दे पाता। हाँ एक काम तो उन्होंने सिखा दिया, जब मैं बैठा था मोदी जी के पीछे पार्लियामेंट में 2 सीट पीछे, जहाँ हमारी साहब मुझे भी चोट लगी, बाबा मुझे भी मरहम पट्टी करानी पड़ी था। ये काम में तो एक्सपर्ट है ना, लेकिन अब देश चलाना है। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ कोई बुआ है, कोई भतीजा है, कोई पप्पू है। पूछ लो इनसे कैसे देश चलाओगे। देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना और उसके पीछे थड़कता हुआ एक दिल चाहिए, जो दिल देश के लिए धड़कता हो, देशवासियों के लिए, हमारे सैनिकों के लिए धड़कता हो, हमारे फौजियों के लिए धड़कता हो, ऐसा दिल चाहिए। आज देश को मोदी की जरूरत है। 5 साल में उन्होंने जरूरतों का काम किया, हर गरीब को घर दिया, घर में बिजली दी, घर में टॉयलेट दिया, घर में गैस का सिलेंडर दिया और 5 लाख तक का इलाज दिया। अरे यह है गरीब निकालने का तरीका। तुम्हारी नानी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे नाना, तुम्हारी दादी, तुम्हारे पिताजी गीत गाते रह गए, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। मोदी जी ने हटाते दिखा दी, चाहता काम किया है जमीन पर। कोई एक घोषणा ऐसी बता दे मेरे पत्रकार छायाकार बंधु बैठे यहाँ, जो उन्होंने सिर्फ घोषणा करी, उनका हर एक कदम गरीब के उत्थान के लिए होता था। ऐसा प्रधानमंत्री है ये, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जीता है, उनका कोई एजेंडा नहीं है। 132 करोड़ देशवासी उनका परिवार है। ताकि आज आपसे हाथ जोड़ते मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, लोग आएंगे आपके पास, बिरादरीवाद की, पार्टीवाद की, तू भी जाट में भी जाट, तू भी ब्राह्मण में भी ब्राह्मण, तू भी जाटा में भी जाटा, उनसे पूछना क्या बिरादरियों की सरकार कभी बनी है क्या, कभी देश में जाटों की सरकार बनी है क्या, कभी जाटों की बनी है क्या, कभी ब्राह्मणों की बनी है क्या। सरकार ने विचारधारा की बनी और उस विचारधारा में आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ और बाकी सारों को एक तराजू में खड़ा कर दो तो 65 मिली नजर नहीं आएंगे। जैसा आपका प्रधानमंत्री 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में अपनी लोकसभा क्षेत्र में लिया है,
साथियों ये है आपके प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका, और अगले 5 साल में ये देश का भी नक्शा बदल देगा और पाकिस्तान का भी नक्शा बदल देगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अच्छा ये काम जरूर कर रहे, ये जितने लोग यहाँ बैठे ये भी 2000 लोग बैठे हैं।